हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सक्सेस मंच चैनल पे हम आपके लिए फिर से हाज़िर हो गए हैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो है ऑडियो बुक्स हम सभी जानते हैं कि ओल्ड एन कितने आर इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यू हो किसी भी स्टेट का पी हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो उसमें एंशेंट इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो ओल्ड एन है वो तो सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है तो एनशेंट इंडिया की ऑडियो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जो आपको बहुत ही रेयरली कहीं भी मिलेगी तो यहाँ पे आपके लिए हम नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट बुक फॉर क्लास एलेवेंथ और ये एन का ओल्ड पब्लिकेशन है और इसके बारे में इस फर्स्ट वीडियो में तो हम इसके चैप्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में और फिर एक एक करके हर चैप्टर का ऑडियो लेक्चर हम बनाएंगे ऑडियो बुक टाइप ही बनाएंगे ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह पर बिना देखे भी उसको सुनकर अपना रिपीटेशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आ, अच्छा बना सकते हैं कभी भी आप सोते वक्त उसको भी सुन सकते हैं क्योंकि ये ऑडियो लेक्चर है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है तो और प्रॉमिस करते हैं कि ये वाली सीरीज़ आपको कंप्लीट मिलेगी ये आपसे प्रॉमिस है सक्सेस मंच की तरफ से मेरा तो शुरू करते हैं एंशेंट इंडिया की क्लास एलेवेंथ की बुक है ये और ये ओल्ड एन है तो इसमें कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स हैं मैं बता देती हूँ आपको ये हैं 23 चैप्टर्स तो 23 चैप्टर्स का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिसको बहुत ही शॉर्ट में इसमें बताया गया है कि स्टडी हम जब इंडियन हिस्ट्री की करते हैं तो कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं मेनली ये है इस चैप्टर में नाउ द सेकेंड चैप्टर इज़ ऑन एंशंट इंडियन हिस्ट्री राइटिंग इसमें इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग अर्ली फॉरेनर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एनलाइटमेंट एम्पेरियलिस्ट हिस्टीरियोग्राफी नेशनलिस्ट अप्रोच मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तो मेनली इसमें इस हिस्ट्री राइटिंग का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है एंशन हिस्ट्री uh, को दिखाने के लिए वो है इस चैप्टर टू में uh, आपको ये भी बता दूं कि ये जो बुक हम अभी इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए ऑडियो जो सीरीज़ रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी इंग्लिश के बच्चों के लिए बट आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम हिंदी में भी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको हिंदी में ये ऑडियो बुक चाहिए तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द तो आप अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए कमेंट करके हमें बताइए तो हम ज़रूर आपके लिए हिंदी में भी ओल्ड एन की सीरीज़ ज़रूर लेकर कर आएँगे तो चैप्टर थ्री पे मूव करते हैं चैप्टर थ्री में होगा द सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जिसमें सारे सोर्सेज की बात करेंगे चाहे वो साहित्यिक सोर्सेज हो जैसे इंग्लिश uh, में कहेंगे लिटरेरी सोर्सेज देन फॉरेन अकाउंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फिर मोन्यूमेंट्स करेंगे एक्सकवेशंस करेंगे एंड एक्सप्लोरेशंस इस चैप्टर थ्री में आपको uh, समझ में आएगा देन चैप्टर फोर है द जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसमें द हिमालयाज इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन द डेकिन प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया क्लाइमेट इन सब का अध्ययन करेंगे फिर क्लाइमेट फिर द जोग्राफी ऑफ इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन इंडियन एंशियंट हिस्ट्री फिर लिटरेचर की बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन इंडियन हिस्ट्री तो मेनली ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर फ़ोर में वो हम कवर करने वाले हैं देन चैप्टर फाइव द स्टोन एंड कल्चर इसमें इंट्रोडक्शन होगा एज ऑफ द अर्थ अर्ली ह्यूमस अर्लीएस्ट्रेलियोलिथिक टूल्स पेलियोलिथिक कल्चर्स, मेसोलिथिक कल्चर एंड प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट तो जो स्टोन एज है उसके बारे में इस पर बात होगी चैप्टर फाइव में देन नेक्स्ट इज चैप्टर सिक्स द नियोलिथिक एज इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट नियोलिथिक एज एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस सेटल्ड लाइफ विच इज़ इन कवर्ड इन न्योलथिक एज नेक्स्ट इज चैप्टर सेवन द चलकोलथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया इन दिस चैप्टर वील बी स्टरिंग अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स रिलीजियस बिलीफ्स टेक्नोलॉजी कॉपर होर्ड कल्चर ओ सी पी कल्चर कॉपर होर्ड कल्चर जिसको हम ओ सी पी कल्चर भी कहते हैं Next, the important, very important chapter, chapter 8, the Harappan Civilization. In this chapter, we will be studying about time pla uh, town planning, materials used in building, types of building, public buildings, streets, drains, craft and industries, trade and commerce, weights and measures, transport and travel, then agriculture, then the art of uh, Harappan civilization, the script. Then religion, social stratification, and political setup, disposal of the dead, uh, chronology, decline, and late Harappan cultures. All will be covered in a wide range in this chapter 8, which is on the Harappan civilization. Now, this next chapter is chapter 9.

उनका रिलीजन उनकी फिलोसफी द क्वेश्चन ऑफ द आर्यन इन्वेजन हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द रिग्वेदा ऑल विल बी कवर्ड इन चैप्टर नाइन एज यू ऑल नो वेन वी मूव ऑन टू वैदिक सिविलाइजेशन विल बी ऑन द लेटर वैदिक चैप्टर नाइन विल बी ऑन द लेटर वैदिक ऐज दोग्राफी देयर न्यू पोलिटिकल स्टेट्स polity administration social system their economic life their education their religion their philosophy and the science and technology they have used in their age the later vedic age next is chapter 11 which is uh, which is fruition of indian philosophy इन दिस विशेषिका न्याय सांख्य योग एंड मीमांसता वेदांता दीज ऑल फिलोसफीज विल बी स्टडीड इन दिस चैप्टर इलेवन दैन चैप्टर ट्वेल्व में हम द एवेल्यूशन ऑफ जर्निज्म एंड बुद्धिज्म उसके बारे में बात करेंगे uh, फिर चैप्टर थर्टीन में महाजनपदास टू नंदाज इसमें महाजनपदास द राइज ऑफ मगध शिशुनाग नंदा डाइनेस्टी फॉरिनर इन्वेजन पर्शियन कंकुस्ट ऑफ़ इंडियन बॉर्डरलैंड, एलेक्जेंडर कैंपेन एलेक्जेंडर्स रिट्रीट, इम्पैक्ट ऑफ एलेक्जेंडर कैंपेन ये सब हम चैप्टर थर्टीन में कवर करेंगे नेक्स्ट इज़ चैप्टर फोटी इन द मौर्ज इसमें चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोका कलिंग वॉर और उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे अशोका के धम्मा की बात करेंगे अशोका का प्लेस जो हिस्ट्री में है उसकी बात करेंगे फिर डिक्लाइन कैसे होता है मौर्यन एम्पायर का उनकी पॉलिटी उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सोसाइटी कल्चर उनका इनकी इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर ये सब मौर्यन कल्चर के बारे में मौर्यन टाइम uh, के बारे में हम पढ़ेंगे इन चैप्टर फोर्टीन नेक्स्ट इज चैप्टर फिफ्टीन द एज ऑफ शुंगाज एंड सातवाहनास. इसमें मेघा वाहनास एंड कलिंगा के बारे में हाँ बात की जाएगी सम ट्राइबल रिपब्लिक्स के बारे में बात करेंगे जो सातवाहना ऑफ टेकिन है फिर फॉरेन इन्वेडर्स Uh, जो कि इंडो ग्रीक्स द पार्थियंस द सकाज एंड कुशानाज इन इन सब की बात होगी चैप्टर फिफ्टीन में नेक्स्ट चैप्टर सिक्सटीन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इसमें मेगालिथिक फेज़ ऑफ साउथ इंडिया द अर्ली हिस्ट्री चोलास, पांड्याज एंड चेराज ये जो मेन साउथ इंडिया के uh, जो किंग्स किंगडम uh, रही हैं उनके बारे में हम चैप्टर सिक्सटीन में बात करेंगे फिर चैप्टर सेवन के सेवनटीन के ऑडियो लेक्चर में रहेगा सोसाइटी इकोनॉमी एंड कल्चर ड्यूरिंग द शंगाज एंड सातवानाज तो लैंग्वेज और लिटरेचर जो हमारे सोसाइटी इकोनॉमी और कल्चर सिस्टम रहा है शुंगाज और सातवानाज के टाइम पे उसकी बात होगी जिसमें आप सभी जानते हैं लैंग्वेज लिटरेचर संगम लिटरेचर सोशल कंडीशंस फैमिली लाइफ फिर रिलीजन फिर बुद्धिज़्म जर्निज़म वैदिक रिलीजन इकोनॉमिक कंडीशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फिर स्कल्पचर जो रहा है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया एंड रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड ये हम 17 चैप्टर में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर एटीन इंडिया फ्रॉम द गुप्ताज टू हर्षा एमरजेंस ऑफ गुप्तास समुद्र गुप्ता चंद्र गुप्ता सेकंड कुमार गुप्ता सेकंड स्कंद गुप्ता डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता नॉर्थ इंडिया आफ्टर द गुप्ताज हर्षा डेकिन एंड साउथ इंडिया चैप्टर 19 सोसाइटी इकोनॉमी एंड कल्चर फ्रॉम द गुप्तास टू हर्षा गुप्ताज से लेकर हर्षा तक की उनकी सोसाइटी के बारे में इकोनॉमी और कल्चर के बारे में जैसा कि हमने लास्ट uh, 17 चैप्टर में देखा था कि uh, शुगाज एंड सातवानाज़ के सोसाइटी uh, कल्चर और इकोनॉमी की बात की थी यहाँ पे चैप्टर 19 में uh, गुप्ताज एंड हर्षाज़ के सोसाइटी इकॉनमी और कल्चर की बात होगी जिसमें पॉलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज लिटरेचर तमिल लिटरेचर फॉरेन अकाउंट्स, इकोनॉमिक कंडीशन रिलीजन्स बुद्धिज्म हिंदूइज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म आर्ट एंड कल्चर स्कल्पचर्स पेंटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन एंड मेटालोगी की बात हम करेंगे चैप्टर ट्वेंटी इंडिया आफ्टर हर्षा गुर्जर प्रतिहारास बालास एंड राष्ट्रकूटास ट्रीपा टाइट स्ट्रगल ये हम जो आफ्टर हाइशा जो इंडिया की स्थिति थी जिसमें गुर्जर प्रतिहारा पालाज एंड राष्ट्रकूटाज का ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था वो चैप्टर ट्वेंटी में होगा चैप्टर ट्वेंटी वन हिस्ट्री ऑफ कुमार कुमारूपा उसकी बात होगी चैप्टर ट्वेंटी टू बाईस चैप्टर में सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द पोस्ट हाइशा पीरियड लैंग्वेज एंड लिटरेचर सोसाइटी इकोनॉमिक लाइफ रिलीजन एंड फिलोसफी एजुकेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये होगा चैप्टर ट्वेंटी टू में नाउ द लास्ट बट बट द लीस्ट चैप्टर ट्वेंटी थ्री चैप्टर ट्वेंटी थ्री में कल्चरल इंटरक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ ईस्ट एशिया दिस इज़ अ वर्ल्ड सीनैरियो एट द टाइम ऑफ एंशियट हिस्ट्री सो सेंट्रल इंडिया चाइना श्रीलंका म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया आर्ट एंड कल्चर उनके साथ कैसे इंडिया के संबंध रहे वो सब हम चैप्टर ट्वेंटी थ्री में बात करेंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं इंट्रोडक्ट्री वीडियो है ये कि हम मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे चैप्टर्स का ऑडियो बुक के फॉर्म में आपको मिलेगा जो आप अपने कन्वीनियंस से Anywhere, any time you can uh, study it on your own convenience on uh, as on the basis of personalized learning. So thank you so much and keep uh, liking our channel, keep commenting us. What do you want? अगर आपको हिंदी में भी NCT old book का version चाहिए तो please आप हमें बताइए हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे. अभी के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का. Thank you so much. Bye bye.